जम्मू पहुंच चुके हैं। जयकारा मां शेरावाली जी दा, बोल सच्चे दरबार की जय। तो हे गाइस, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज की हमारी जर्नी हो रही है अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा। अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाने के लिए हमें डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल रही है, हमें यहाँ से अमृतसर से जम्मू, जम्मू से हमें कटरा जाना होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, धन्यवाद। दोस्तों, अमृतसर से जम्मू तवी जाने के लिए रात 12:50 पे बठिंडा जम्मू तवी एक्सप्रेस मिलती है। गाड़ी हमारे पीछे खड़ी है, गाड़ी संख्या है 19225 की। जोधपुर से जम्मू तवी तक का डिस्टेंस 1090 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। ये सुबह जोधपुर से 6:45 AM निकलती है और अगले दिन हमें सुबह 6:20 पे जम्मू पहुंचा देती है। कोचेस बिल्कुल खाली हैं, हम जनरल कोच में बैठते हैं। जनरल भाई बैठा कोई नहीं? भाई बैठेंगे भाई, ठीक है बस। जनरल है भाई, खाली ट्रेन है। अमृतसर में इस गाड़ी का 30 मिनट का होल्ड है और इस गाड़ी की टाइमिंग थी यहाँ पहुँचने की 12:50 बट ये गाड़ी यहाँ पे पहुँची है 2:15। अभी 2:40 हो गए हैं लेकिन अभी भी ये गाड़ी यहाँ से कैप्चर नहीं हुई है। ट्रेन अपनी 2:42 AM यहाँ से चली है लेकिन इसका समय था यहाँ से 1:15, लगभग 1 से 1.5 घंटा गाड़ी लेट चली है। अभी देखते हैं सुबह कितने बजे पहुँचती है। दोस्तों, रात के 3 बज चुके हैं और अभी मैं लगा हूँ सोने ताकि सुबह जो मेरी यात्रा है वो अच्छे से हो सके माता रानी की। तो अभी सोते हैं थोड़ी देर के लिए। The next day. अगे चली कि गड्डी आली ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम जम्मू पहुंच चुके हैं सुबह 7:30। हमारी जो अगली गाड़ी थी वैष्णो देवी जाने वाली जम्मू मेल, वो इस टाइम निकल चुकी है। अब हम वेट करेंगे कि दूसरी गाड़ी का, तब तक के लिए बाहर चलते हैं। जय माता दी। आज की जर्नी हमारी हो रही है अंडमान एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर है 16031 की, वीक में 3 दिन चलती है, जो कि चेन्नई सेंट्रल से सुबह 5:15 पे चलती है और यहाँ तीसरे दिन 8:20 पे पहुँचती है। ओ भाई साहब, लगभग 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके ये गाड़ी सुबह 8:50 पे 40 मिनट की देरी पे पहुंच चुकी है। जनरल बोगी में काफ़ी ज़्यादा रश है लेकिन हम ट्राई करते हैं यहाँ अंदर बैठने का, वहाँ पे सीट अवेलेबल है। वही भैया सीट हैगी अगे, मेरा भी सीट हैगी अगे, खाली भी सीटा अगे फटाफट हो जा। ट्रेन बिल्कुल 9 बजे चली पड़ी है यहाँ से और 2 घंटे में हमें 11 बजे के आसपास हमें श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुँचा देगी। लेकिन रास्ते में जो अभी व्यूज़ आएंगे ना, रास्ते में जो नज़ारे आएंगे अभी देखने वाले, वो काफ़ी शानदार होंगे।
माता बावे वाली टनल है, इसके ऊपर माता रानी का भवन है, बावे वाली माता शूटिंग होगी, देखना जोर जोर से। बैठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ के जो नज़ारे हैं भाई, देखने लायक नज़ारे हैं। ये 2 घंटे का सफ़र है, लेकिन इन 2 घंटे में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपको बहुत ही खुशी और खुशी का एहसास कराएंगी। तो भाई मैं तो नहीं बैठा सीट पे, क्योंकि इधर ही खड़ा हूँ, चाहे जुकाम हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम तो यहीं पर खड़े। जयकारा मां शेरा वाली जीता, बोल सच्चे दरबार की जय। दोस्तों हमारी गाड़ी अंडमान एक्सप्रेस यहां पर पहुंच गई है 10:40 पे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे द्वारा दिखाए गए जो व्यूज़ हैं वो अच्छे लगे हों। तो वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।